मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। सर, बात की जाए रक्षाबंधन के अवसर पर ओसड़ी में परंपरा है, किस तरह से परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है आज भी? ये परंपरा मेरे दादाजी बताते थे कि जब से उन्होंने वो संभाला तब से ये परंपरा चली आ रही है, और इसी बहाने हम सब यहाँ मंदिर पे ठाकुर जी के यहाँ इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे पे विश्वास जताते हैं और एक दूसरे से संकल्प करते हैं कि हम एक दूसरे की मदद पे एक साथ खड़े रहेंगे। और हमारे गांव की जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं उनको बैठ के भी हम निपटाते हैं, और कई तरह के यार सब व्यस्त लोग हैं आज के टाइम में इकट्ठे होकर बैठते हैं, प्रेम से चाय पीते हैं, मिठाई खाते हैं, प्रसाद खाते हैं और इस चीज़ पर चर्चा करते हैं। महिला के हिसाब से ही करती है, पर ये पुरुषों के लिए विशेष कहीं नहीं देखा गया, यही ये परंपरा है। यही था कोई भाईचारा बना रहे, एक दूसरे में विश्वास रहे। मैं बोल जाओ पहले इन्हें बोलो। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की। खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।